नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंटेसी दुनिया में। गाइस, इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट क्विक रिव्यू करेंगे पीआरटी वर्सेस एमसीसी। गाइस, एमसीसी ने ना अपना लास्ट मैच जो आज का दिन का तीसरा था और ये होने वाला है चौथा, उस मैच में गाइस इन्होंने बहुत कंफर्टेबल विन किया था। दूसरा वाला मैच, ठीक है, अपना डेब्यू मैच था उनका इस टूर्नामेंट में। वहीं पर पीआरटी ने ना अब तक गाइस कितने मैचेस खेल चुके हैं, दो खेला, एक जीता एक हारा, करेंटली एक चल रहा है इनका। तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके मैं मानता हूं कि कुछ पन पिक्स जिन्होंने अब तक परफॉर्मेंस नहीं दिया लाइक आमिर हुसैन और अरमान भुइयान जैसे बड़े प्लेयर्स में भी परफॉर्म कर सकता है। तो काइंडली ध्यान से अब तक देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और अगर आप लोग चैनल में न्यू हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो, अगर आपको डोमेस्टिक खेलना है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए फ्यूचर अपडेट के लिए जुड़ जाना टेलीग्राम। डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से आप बहुत इजीली ज्वाइन हो सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में जो लिंक मिलेगा उससे भी टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हो। और अगर लिंक आप नहीं किया तो सर्च भी कर सकते हो @teamsfdf, जैसे मर्जी वैसे ज्वाइन होना, बट ज्वाइन होना है फाइनल अपडेट फॉर फ्यूचर अपडेट। 6:30 बजे ये मैच स्टार्ट होगा। नेक्स्ट डे फिर से पॉन्डिचेरी T10 का मैचेस होंगे, उनके कवरेजेस, और फिलहाल तो दो ही सीरीज चल रहा है, ECS और पॉन्डिचेरी के कवरेज वीडियो का मैं बात कर रहा हूँ। फाइनल डेमो टीम इंटरनेशनल मैचेस का मिल रहा है, और फ्यूचर में त्रिनिदाद, और आप सपोर्ट करोगे तो अदर्स मैचेस का भी डेफिनेटली आएगा इस चैनल में। तो ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम फॉर फाइनल अपडेट फॉर फ्यूचर अपडेट, एंड वीडियो को लाइक करके स्टार्ट रखना। MCC पहला मैच खेल के आ रहा है तो मैं इसके ऊपर डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले इनसे विघ्नेश सुरेंद्रन ने डेथ ओवर बॉलिंग कराया था, दोनों ओवर डेथ में कराया था, विकेट एक मिला था, अच्छा बैटिंग कर नहीं पाए थे, बट बैट्समैन अच्छे है गाइस। तो ये आपके लिए इस मैच में कैप्टन वाला पिक बन के आता है। धीरज ठाकुर 46, ओम शर्मा चेजिंग में 35, हर बार T10 में टू डाउन बैटिंग करते हुए चेजिंग में 35 बनाना मुश्किल है, तो ये आपके लिए गाइस KVC एज बॉलर सही है, क्योंकि दो ओवर जरूर डालते हुए दिखेगा बट थोड़े नीचे बैटिंग कर रहा है, बैट फर्स्ट कर रहा है तो बेटर हो जाता है एज KVC, ठीक है। चेजिंग के टाइम में विघ्नेश सुरेंद्रन बहुत खराब पिक नहीं, क्योंकि ये डेथ में कराएगा, साथ ही साथ चेजिंग में गाइस ये टॉप ऑर्डर में खेलेगा तो इसको चांस ज़्यादा मिलेगा बॉल फेस करने का। आमिर हुसैन अच्छे प्लेयर है बट परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्म था इनका लास्ट मैच। बॉलिंग से प्रेम नीरज इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने इस टीम ने गाइस 5 बॉलर यूज़ किया, नीरज, प्रेम, आमिर, ओम और विघ्नेश। और इंपॉर्टेंट बात है, सुनील अंबर ने बॉलिंग नहीं किया था, सुनील अंबर इस टीम का प्राइम बॉलर है, इन्होंने बॉलिंग नहीं किया। अगर ये करते हैं तो किसी का ओवर कटेगा, हाई चांस है कि उसका नाम मे बी विघ्नेश सुरेंद्रन हो या फिर गाइस नीरज मिश्रा से कोई एक। ओपनिंग बॉलर प्रेम यादव, नीरज और ओम शर्मा। डेथ में विघ्नेश, आमिर हुसैन और विघ्नेश करते हुए दिखा था। लास्ट मैच में 2 डाला था विघ्नेश, डेथ में 1 डाला था आमिर। अब इसका उल्टा होगा तो आमिर को भी विकेट मिल सकता है विघ्नेश की जगह, ठीक है। अब मैं आता हूँ इनके बैटिंग पास्ट के रिकॉर्ड में। ए बाबू जो ओपनिंग आए थे अच्छे प्लेयर है, बैक कर सकते हैं, 7 मैच में 27 का एवरेज है, डोमेस्टिक में 162 रन है। रेस्ट गाइस ऑलरेडी अच्छे प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म किया, उनमें से वी सुरेंद्रन बहुत अच्छा बैट्समैन है, डिसेंट विकेट टेकर है करेंट टाइम में। आमिर हुसैन एक अच्छे बॉलर है, डोमेस्टिक में 4 मैच में 14, ACS में 11 मैच में 18 ओवर है इनका, मतलब ये आपको 2 ओवर जरूर करते हुए दिखेगा। नीचे से जो इंपॉर्टेंट एक प्लेयर लगा जो जनता ड्रॉप करके आएगा वो है नीरज मिश्रा, 5 मैच में 5 विकेट था इनका डोमेस्टिक में, अच्छे प्लेयर लग रहे हैं मुझे। और धीरज ठाकुर अगर बैट फर्स्ट होता है तो इंपॉर्टेंट होगा, बैट सेकंड होता है तो ए बाबू डिफेंशियल पिक बन सकता है। गाइस पीआरटी करेंटली एक मैच खेल रहा है बट इनके कुछ प्लेयर लाइक शहादत हुसैन सागर एक प्राइम ऑलराउंडर है, करेंटली अच्छे परफॉर्मेंस देते हुए आ रहा है बैट बॉल दोनों से। रसेल मियां स्पेशली बॉल फर्स्ट क्योंकि डेथ करा सकता है। अजहर हल्लम, अल महमूद ये भी टीम 2-2 ओवर डाल रहा है, और संजीत हल्दार। गाइस संजीत हल्दार को डिफेंशियल VC बनाना स्पेशली बॉल फर्स्ट, क्योंकि इनका कुछ गाइस बहुत ज़्यादा विकेट है, शायद 3 मैच में 14 विकेट के आसपास है संजीत हल्दार का, ये देखो पास्ट रिकॉर्ड में अगर आओगे 4 मैच में 13 विकेट है, ये आपके लिए बढ़िया सा पंत बन सकता है इस मैच में डिफेंशियल VC। अजहर आलम अच्छे बॉलिंग ऑप्शन, पास्ट रिकॉर्ड भी अच्छा खासा है, बैक करना है। शहादत हुसैन सागर करंट फॉर्म बहुत ज़्यादा अच्छा है तो डेफिनेटली आपकी टीम में होना चाहिए। गाइस ये रहेगा फिलहाल मेरा इस मैच का अपडेट। इस मैच का फाइनल डेमो टीम आपको मिलने वाला है टेलीग्राम पे, बट इस मैच में अगर आप देखोगे फिलहाल VC है ओम शर्मा, कैप्टन है ओ शहादत मेरी टीम में, रसेल मियां हमारे पास है, वी सुरेंद्रन है, पी यादव, आमिर हुसैन, ए महमूद, अजहर आलम, एन मिश्रा, एस हल्दर है। ये रहेगा फिलहाल इस मैच का अपडेट। फिलहाल मैंने ही बाबू को लिया, धीरज ठाकुर बहुत खराब पिक नहीं रहेगा स्पेशली बैट वर्स तो धीरज ठाकुर ही बेटर हो जाएगा क्योंकि लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्मेंस देके आ रहा है। तो ये रहेगा फिलहाल अपडेट, फ्यूचर अपडेट फाइनल अपडेट वगैरह टेलीग्राम पे आते रहेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात है, देखो ए बाबू ना आपको विकी करते हुए नहीं देखेगा, डी ठाकुर विकी किया था तो इस ये सोचते हैं ना हम लोग डी ठाकुर को जरूर अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं गाइस मैच टाइम पे टेलीग्राम पे, थैंक यू।